क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इफ ए इज द मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है 2x2, ए आई जे इक्वल टू में यहाँ कंडीशन पे ये यहाँ दिया हुआ है और हमें ए स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मैट्रिक्स ए की बात करेंगे तो देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि i इक्वल टू j होने पर वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो i इक्वल टू j होगा यहाँ पे 1 1 होता है ना जी, ए 1 1, तो यहाँ जीरो रख देंगे। i नॉट इक्वल टू j होगा तो 1, अच्छा यहाँ भी 1, और यहाँ i j के इक्वल यहाँ a 2 2 होता है, यानी कि यहाँ वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो हमें ए स्क्वायर पूछ रहा है किसके इक्वल होगा, इसी को दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 1 1 0 इंटू में 0 1 1 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 1। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, 0 प्लस 0। फर्स्ट रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो 0 प्लस 0, सेकेंड रो में सेकेंड वाले कॉलम से तो 1 प्लस 0, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 0 0 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ए नंबर हो जाएगा ना इसका। 41 देखिए यहाँ पर, देखिए क्या दिया है,